बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन कोयला कढ़ाही। चिकन कोयला कढ़ाही बनाने के लिए 4 खाने के चम्मच या 1/4 प्याली तेल, इसमें शामिल कर देने हैं 4 टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए, 1 ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर नरम पड़ जाएं। टमाटर नरम पड़ जाएं तो इनको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसी तेल में एक बड़ा प्याज स्लाइसेस में काट के हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो गया, अब इसको भी तेल में से निकाल लेंगे और प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1/2 चाय का चम्मच मेथी दाना। जैसे ये दोनों चीज़ें कड़कड़ाएं, इसमें शामिल कर देंगे 700 ग्राम चिकन, 1/2 तक पका लेना है कि ये सेमी टेंडर हो जाए। तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाया है। अब इसमें शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे दही के, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और प्याज जो ग्राइंड किया था वो वापस से इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन मुकम्मल तौर पे गल जाए। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, जुलियन कट अदरक, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स कर लेना एक दफ़ा। फॉइल पेपर का एक टुकड़ा कटोरी की शक्ल में ज़रा उसको करके रखा है बीच में। एक दहकता हुआ कोयला इसके ऊपर रखेंगे, 1 से 2 कतरे तेल के डाल देने हैं, 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब ये कोयला इसमें से निकाल लेंगे। कोयला कढ़ाही रेडी हो गई है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन कोयला कढ़ाही को डिश आउट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है।